Hey guys, welcome back to our channel, Isha and Disha sisters. So that was a very special day in my life because today is my happy wala birthday. Yeah. So today is my happy birthday, and that was the background we can choose for decoration because that was our room, and our papa said us that you are doing decoration in this room. So और अभी ना पापा जस्ट अभी ड्यूटी से आए हैं और पापा मार्केट भी चले गए थे जैसे ड्यूटी ओवर हुई. तो अभी हमने आली वॉल, मैंने कहा दिशा को कि ये वाली वॉल मैंने चूज़ करी है क्योंकि यहाँ का वॉलपेपर भी बहुत सही है. तो हम अभी ये फोटोज़ हटाकर यहाँ पर डेकोरेशन करने वाले हैं. ये थोड़ा हो रहा था, ये भी ये हटाना है. अभी हम याला, वैसे याला एरिया कौन ही देखेगा. अभी हम याला एरिया डेकोरेट करने वाले हैं. शक्ल आप एक बार देख लो क्योंकि बर्थडे गर्ल ही आने वाली है व्लॉग में आज. तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है. ईशा फोकस अच्छे से करना. हाँ चलो, बर्थडे गर्ल दिखाने वाली थी पर चलो कोई नहीं, आप दिखा. नहीं आप बैठो यार, बहन मेरी है तो उसका भी बर्थडे मना जाएगा. इस वाली पॉली में सब कुछ आया था मार्केट से. हाँ बहुत लंबा होने. फर्स्ट पापा लाए हैं हैप्पी बर्थडे जो कि लिखा था, इसके साथ एक छोटा सा टेप, सॉरी वो रिबन है, रिबन रिबन है. हाँ रिबन, सिलिकॉन रिबन. इतना अच्छा है, जल्दी ये है. और ये पापा बलून के अंदर डालने के लिए, ये वाले जिसको बर्स्ट करते हैं ना, ये बड़ा वाला जॉइंट बलून लाए हैं. और ज्यादातर तो बलून खराब ही निकलते हैं, देखते सही निकल लेगा कि नहीं. सही निकलता है बिल्कुल. डिस्पोजल्स लाए हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बर्थडे. एंड इसके साथ पहले ये दिखाओ. हाँ, डिस्पोजल के साथ ही प्लेट. एंड ये पता नहीं लड़ियां बोलते हैं ना. हाँ ये हम ना क्राफ्ट से बनाते थे लेकिन ये रेडीमेड लाए हैं. इतनी मस्त ना, रेनबो कलर की. तो ये और बाकी डेकोरेशन कौन करने वाला है, हम दोनों. हाँ इतने सारे बलून्स पापा ले आए, आप यकीन नहीं कर पाओगे. और बाकी गिफ्ट तो देखो, मम्मा ने मुझे मेकअप दिला दिया है. yes. पापा भी मेरे लिए गिफ्ट ले आए. हाँ अलमीरा में लॉक कर दिया है और पैक हुआ वाला है बिल्कुल ही. क्या बोलेंगे से, कर्टेंस, डेकोरेटिव कर्टेंस. और ये दो डबल साइडेड टेप. तो बाकी आपको लगा हाँ ब्लर दिख रहा होगा, सॉरी. लेकिन हाँ देखो, मैं बता देती हूँ कि पापा इतना प्यारा गिफ्ट लाए हैं, देख के पता लग गया पैकेजिंग से. तो पापा बता नहीं रहे हैं, बाहर से पैक करा के लाए हैं कि क्या है. पापा ने सीधे लॉक कर दिया. मैं अगले भी गिफ्ट लेने जाऊँगी. हाँ ये लड़की सुबह से कुछ नहीं कर रही. हमको ड्रेसेस भी दिलाई सुबह से, इसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम पड़ा था इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई है. झूठ कह रही है, कुछ किया नहीं. रुको रुको रुको, मैं निकालता हूँ ये काम. फर्स्ट ईशा ने पापा की निकाल दिया. दो इसे यहाँ पर मत रखो, आप पकड़ो. मैं निकाल दिया, बंद करो. गाइस एक इल्यूजन दिखाऊं क्या, ये दोनों फोटोज कितनी मस्त लग रही है लेकिन ये लगी हुई नहीं है. चलो 1 2 3 ये खाली हो जाए वॉल. फिर से कर रही है लड़की क्या. जाओ ना रोको तो सही. दिशा बलून तो मैं बांधने आते ही नहीं. ईशा अपने बाल तो देखो. दिशा में बलून तो बांधने आते ही नहीं. चलो सब करेंगे. रुको सबसे पहले हमें अनबॉक्स करेंगे ये रेनबो. अबे पहले कर्टेंस लगेंगे कि ये लगेंगे. अरे साथी के साथ अनबॉक्स करेंगे ना दिशा. पहले ही खुलो ये, रुको रुको रुको. पहले जो साथी के साथ जो जो लगाएंगे वही करें. तो कर्टेंस मैं अनबॉक्स करूंगी. उलझा मत दीजिएगा प्लीज मैम. अब आपको मैं वही तो समझा रही हूँ, पहले ये लगेगा ना. ये भी हमसे लगता है कि नहीं, वरना पापा लगाएंगे. चलो तो मैं आपको एक लड़ी दिखा देती हूँ कितने साइज की है. अरे खींचो मत. ओह लाइट भी चली गई गाइस. शिट यार दिशा, अब क्या करेंगे. तो गाइस ये रही है सारी लड़ियाँ जो भी अपन को लगानी है. और हम डेकोरेशन कैसे करेंगे, इस लाइट चली गई है. हाँ वैसे बहुत सुंदर लग रही है ये वैसे, लेकिन इस पे नहीं आ रही है ना. तो ये करते हैं अभी अनबॉक्स गाइस. अब आप लोग ऐसे ही देख लो क्या करें हम. दिखाओ पहले, इधर रखो मैं ध्यान से दिखा दूँ. डार्जिलिंग का लेके लाया पापा. ये कुछ है नहीं क्या मस्त करने का. तो चलो करते हैं सेकेंड टाइम लाया है, पर फर्स्ट टाइम जब वाला आए थे तब लाई नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता है कैसे होगा क्या होगा. अरे चलो सॉरी, जल्दी करो ना जी. वीडियो देखो कितना लंबा हो गया. तो भाई आप ही करो, मैं तो बहुत मुझे पता भी नहीं है सब काम कैसे होते हैं. दिखाते हैं डेकोरेशन के. आता है ना दिशा,
नहीं नहीं आता। हाँ लेकिन ट्राई, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना डेकोरेशन, अब थोड़ा डर लग रहा है। मतलब डेकोरेशन तो हर बार होती है पर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। मैंने सिर्फ लपेटे जा रही हूँ। दिशा दिशा मत करो यार, दिशा रहने दो, हम बलून्स फुला देते तब तक। दिशा उलझा, रुक जाओ ना। मम्मी कहीं से, मैं बहुत डर लग रहा है। देखते क्या होगा, हम जब इसको खोलेंगे तब मिलते हैं। क्या अब आ गया? देखो गाइस अब निकल चुका है मेरे से, थोड़ा अंधेरा हो गया यहाँ पे क्योंकि लाइट चली गई है। थोड़ा क्या, पूरा अंधेरा ही हो गया? नहीं पूरा नहीं हुआ है। मैं स्टेपर निकाल रही हूँ, इशारा जितना हो सके कम लो क्योंकि ठीक है। दिशा को तो सब कुछ आता है, मतलब ऐसा सब डेकोरेशन का देखते हैं, बस उलझा ना दे बस ये लड़की। कितना लंबा है ये भाई, गज देखो। बड़ी शिद्दतों के बाद लाइट भी आ गई है और मैंने लगा दिया है। ईशा और मैंने मिलके, ईशा की तो यार इतनी मेहनत लगी ना बेचारी, दोनों तरफ पकड़ के खड़ी हुई थी। देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है ना। हमने दो इसीलिए नहीं लाए क्योंकि फिर वो हटन। ईशा क्या कर रहे हो? हाँ यार एक काम नहीं होता इस लड़की से। गाइस हालत क्या हो गई, बेचारी की जेबें बाहर आ गई है। पहले हम जो है ये लगाएं कि वो लगाएं, पहले ये लगाएंगे। अनबॉक्स कौन करेगा? मैं करूँगी, तुम कर लो ना। नहीं नहीं मतलब क्या ओवर एक्टिंग दिखाने के लिए कह रही, तुम कर लो। ये तो देखो सिलिकॉन रिबन तो बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है। यस yes, और उसने खाया भी है। मजाक कर रहेगा, इट्स जस्ट किडिंग। वाओ गाइस तो कर्टेंस लग गए हैं। ये अच्छे, चलो उल्टा क्यों आ रहा है। चलो ईशा, सो गाइस अभी उसके बिंदु हटा। अरे यार ईशा ऐसे तो करो। हाँ यार तुम वो करो। सॉरी मेरी बच्ची। तो ये देखो गाइस जो होल्स है ना, दो मिले हुए, उनको ऐसे कर लेना है। तो हम कर लेते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करना है। बस यूँ हो गया, यूँ निकाल लिया, हो गया। चलो अब जल्दी से करते हैं। सो गाइस हमने सबके रिबन तो निकाल दिए, वो होल कर दिए हैं, अब सिलिकॉन रिबन डालना है। चलो ले लेते हैं यार। तो गाइस हालत क्या हो गया, अभी ये जो होल्स हैं इनके अंदर उस पर सिलिकॉन रिबन इंसर्ट करना है। आई होप मे बी ऐसा ही करना हो। चलो करते हैं। सो गाइस हैप्पी हम, मैंने लगा दिया है। ईशा और मैंने मिलके, ईशा की तो यार कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग गई, बेचारी को लटका दे रही हूँ मैं। और यार बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है हम दोनों की, तो यहाँ पर हमने कर दिया है। हाँ यार पापा मम्मा बोल रहे मत करो मत करो, हम कर देंगे। लेकिन बच्चों की तो यार इच्छा रहती है डेकोरेशन करना, बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप लोग भी ट्राई करके देखना। और ये हमने लगाया है सिलिकॉन रिबन, बहुत ही प्यारा है ये। व्लॉग अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो पूरी डेकोरेशन केक कटिंग व्लॉग में मिल जाएगी। ओके ना। अरे यार ईशा देखो, पकड़ो कैमरा पकड़ो। गाइस आप लोग भी सीख लो, अगर आप लोगों को भी डेकोरेशन नहीं आता है, क्योंकि यार मेरे को तो डेकोरेशन में मैं बहुत माहिर हूँ, यही काम होते हैं बस मेरे से। मजाक कर रही हूँ यार, सारे काम कर लेती हूँ मैं। देखो यहाँ से डालोगे, ओ सॉरी आगे से डालोगे, माहिर है गाइस। फिर पीछे को आएगा ये, ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे आ जाएगा। अच्छा जल्दी जल्दी फिर आगे की तरफ डालोगे। ठीक है अब मैं डालती हूँ जल्दी से। तो गाइस 9 मिनट का वीडियो हो ही चुका है, तो मैं फटाफट से लड़ियाँ लगा लेती हूँ। तो ईशा जब तक ये कर रही है, डंका करेगी तो दूंगी इसे। गाइस यार क्या है यार, ईशा 1 घंटे में लगा रही है ऊपर से गलत। सो गाइस इतनी डेकोरेशन तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। गाइस और जो हालत हुई है वो तो इनकम्प्लीट हो गई। मेरे को तो नहीं लग रही थकान। तो ईशा ये थोड़ा ना नीचे होना था ये वाला। चलो ठीक है कोई नहीं, जैसा भी। ये भी कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं यार, 1-2 घंटे लग रहे हैं हमें। सो गाइस लड़ी भी लगा दी है यहाँ पर, देखो अभी बहुत सारी बच रही है अभी तो ना। सो गाइस अभी तो डेकोरेशन नहीं हुई है, ये लड़ी इतनी लगी है। और ये देखो ऊपर मेरी फोटो, क्योंकि मेरा बर्थडे है। सारी तो निकाल देती लेकिन मेरी रह, मैंने बोला फिर से लगा देती हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है इस वजह से। तो बताओ यार डेकोरेशन कैसी लगी है, ऑलमोस्ट कम्प्लीट है? नहीं यार ईशा वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। हाँ तो हम बलून वगैरह लगाएंगे। तो मम्मा भी उठ के आ गई है हमको देखने के लिए, क्योंकि ना
हम इतने धंडी काम करते कि सब आ जाते हैं हमें देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको बर्थडे व्लॉग में, मेकअप व्लॉग में। बाय।